हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रैक्टिकल इंग्लिश। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ हमारा कलरफुल ईडियम का पार्ट वन, जिसमें हम लोग जानेंगे वो ईडियम्स जो कलर्स से रिलेटेड हैं, रंगों से रिलेटेड हैं। हमारा ईडियम का दो सीरीज और चल रहा है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं और एक जनरल ईडियम्स है जो बिना किसी थीम पर होती हैं, उनका भी हमारा एक सेशन चल रहा है। जिन बच्चों ने वो ना देखा हो, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से जाकर भी वो लोग देख सकते हैं। तो आज हमारा थीम बेस्ड ईडियम का, जिसको हम लोग बोलते हैं कलरफुल ईडियम, और आपके सामने स्क्रीन पर पहली ईडियम दिख रही होगी रेड से रिलेटेड। जी हाँ, अभी आपके स्क्रीन पर जितने भी शब्द आएंगे, उन सभी शब्दों में एक शब्द कॉमन होगा, वो क्या होगा? RED, रेड। वो वर्ड आपको कॉमन मिलेगा और देखते हैं हमारे एग्जामिनर ने हमारे एग्जाम में कितने ऐसे वर्ड हैं जो बार बार पूछे हैं रेड ईडियम से रिलेटेड। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं अपने हम ईडियम के इस लेक्चर को। तो सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जब आपके सामने स्क्रीन पर कोई ईडियम आएगा, अगर आपको उस वर्ड का मीनिंग पता है, तो आप उस वर्ड से रिलेटेड सेंटेंस जरूर बनाने की कोशिश करिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें वो सेंटेंस जरूर भेजिएगा, ताकि हम लोग भी समझ सके कि हमारे बच्चों को बहुत अच्छा आता है। चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट ईडियम आपके स्क्रीन पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, न जाने कितनी बार एग्जामिनर हर तरह के एग्जाम में इस ईडियम को पूछ चुका है। तो पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? अ रेड लेटर डे। तो ये क्या होता है, जरा देखिए, आपके सामने कैलेंडर आया हुआ है। कैलेंडर में जिस दिन छुट्टी होती है, उस दिन का जो कलर कॉम्बिनेशन होता है, वो देख सकते हैं आप, रेड है 6, 13, 20, 27। मान लेते हैं कोई ऐसा दिन है बीच में, जैसे 17 यहाँ पर रेड कर दिया मान लेते हैं, तो वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन माना जाता है, क्योंकि ब्लैक के बीच में रेड का क्या मतलब हुआ। तो याद रखिएगा, अ रेड लेटर डे जो होता है, बड़ा ही खास दिन होता है, संडे बहुत ही खास दिन होता है। ठीक, तो वहीं से हम रेड लेटर डे, सॉरी, अ रेड लेटर डे ईडियम की मीनिंग क्या जानेंगे? मेमोरेबल डे या इंपॉर्टेंट डे, जिसको हिंदी में कह सकते हैं यादगार दिन या महत्वपूर्ण दिन। ठीक है ना, जिस दिन भारत ने एक वर्ल्ड कप जीता था, हमारा 2011 वाला, कह सकते हैं दैट वाज द डे ऑफ अ रेड लेटर डे। वो भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत ही एक यादगार दिन था। ठीक, चलिए नेक्स्ट ईडियम आपके स्क्रीन पर, ईडियम नंबर 2। ये भी रेड से रिलेटेड है, देखिए इसमें वर्ड एक कॉमन है रेड, जो आपको सभी ईडियम से में मिलेगा। टू पेंट द टाउन रेड, टाउन बोलते हैं शहर को, पूरे के पूरे शहर को आपने रेड रेड कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं वो छोटू देखो बैठे हैं ऐसे पेंट कर रहा है, तो पूरे के पूरे टाउन को वो क्या कर रहा है? रेड कर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? तो पूरे के पूरे टाउन को रेड कर देने का मतलब होता है खुशी मनाना, जश्न मनाना। क्या होता है? टू एंजॉय या टू सेलिब्रेट, इसके लिए वर्ड हिंदी में क्या यूज कर सकते हैं? खुशियां मनाना या जश्न मनाना। ठीक, तो पेंट द टाउन रेड, इस वर्ड की जो मीनिंग होती है वो होती है खुशियां मनाना या जश्न मनाना। चलिए, इडियम नंबर 3 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या लिखा हुआ है? इन द रेड। क्या लिखा है? इन द रेड। अब एक भाई साहब आप देख सकते हैं, बड़ा ही सूट बूट में बैठे हैं, बहुत ही बड़े मैनेजर हो सकते हैं, कंपनी के मालिक हो सकते हैं, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, और चेयर पे ऐसे बैठे हैं और देख रहे हैं, देख लेयर है, ये जो लेयर देख रहे हैं वो पैसों की लेयर है, उसके बीच से एक एरो जा रहा है। ठीक ना, तो इन द रेड जो वर्ड होता है, ये हमारा फाइनेंशियली डेंजर को बताता है, वित्तीय, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पैसों से रिलेटेड, जब उसका खतरा मंडराता है, तो उस वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं? इन द रेड। इसका मतलब क्या हुआ? या तो वो व्यक्ति जो ऐसे करके बैठा था, या तो वो कर्ज में है, इन डेप्ट जिसके लिए यूज करते हैं, और टू बी इन फाइनेंशियल डेंजर, वित्तीय, फाइनेंशियली खतरे में होना, तो उस वर्ड के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इन द रेड। ठीक है ना, चलिए तो नेक्स्ट इडियम, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है। लाइक आ रेड रैग टू अ बुल। रैग, REG, देखिए यहां पर एक इडियम में लिखा हुआ रैग, आपने गेम देखा होगा, आप इमेज से समझ गए होंगे। रैग जो होता है वो होता है एक कपड़े का टुकड़ा, और वो कपड़े का टुकड़ा कैसा है? रेड कलर का। वो कपड़े का टुकड़ा कैसा है? रेड कलर का। तो आप रेड कलर का टुकड़ा अगर कपड़े का किसी बुल को दिखाते हैं, BULL, बुल को दिखाते हैं, तो वो क्या हो जाता है? वो तो बड़ा खुश हो जाता है ना, और ऐसे से नाचता है,
नहीं नाश्ता नहीं है, वो बहुत ही हिंसक हो जाता है, एंग्री हो जाता है, और ऐसे करके आता सींग मार देता है, ठीक ना। ये गेम भी होता है। तो लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, अगर आप किसी बुल को लाल कपड़ा दिखाते हो तो क्या होता है, वायलेंट रिएक्शन, वो आपसे कैसा रिएक्शन करेगा, हिंसात्मक, लाइकली टू मेक समवन एंग्री, इसका मतलब आप सामने वाले व्यक्ति को नाराज करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लाइक अ रेड रैग टू अ बुल, ठीक। जहां तक कोई समस्या, कमेंट में जरूर अपने आप आंसर, कुछ वर्ड से रिलेटेड आप क्वेश्चन, जो सेंटेंसेस होते हैं वो बना के भेज सकते हैं, मैं जरूर देखूंगा, ठीक। चलिए अगला वर्ड है रेड टैपिज्म। अब ये क्या होती है, इसको हिंदी में बोलते हैं लाल फीताशाही। हिंदी में क्या बोला जाता है, लाल फीताशाही। रेड टैपिज्म क्या हुआ, जरा इस बात को समझिएगा कि इमेज से क्या समझ में आ रहा है। देखिए इमेज है, एक एम्प्लॉय है, वो ऐसे बिल्कुल है, और ये पीता, ये पीता, ये पीता, ये पीता। वैसे तो पीता बहुत अच्छी चीज होती है, इसको चीज को समझते कैसे, देखिए चिंटू था, कौन था, चिंटू ने शॉप खोली, प्रोविजन स्टोर की, नई शॉप खोली, सब चीजें हैं। तो जिस दिन शॉप खुलती है उस दिन ऐसे पीता लगा होता है, रेड कलर का पीता लगा होता है, उसे काटना होता है, एक पर्सन आता है और कैंची से उस पीते को काटता है, दुकान का शुभारंभ होता है। अब अगर सोचिए, एक बंदे ने पहले दिन किया, सब मेहमानों को बुलाया, आज मेरी दुकान का उद्घाटन है, शॉप का उद्घाटन है, आप लोग आइए, तो घर का जो बुजुर्ग सदस्य होता है, पंडित जी होते हैं या कोई गेस्ट होता है, उसके हाथों से हम वो शुभ मानते हैं, पीता कटवाते हैं। अब पता चला डेली ये पीता ही कटवा रहे हैं, सुबह आते हैं फिर से ये चार मेहमानों को बुलाते हैं, पीता कटवा रहे हैं, फिर अगले दिन आए अपनी दुकान का, फिर से पीता कटवा रहे हैं। कुछ ज्यादा ही फॉर्मेलिटी नहीं कर रही है, कुछ ज्यादा ही दिखावा नहीं कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं रेड टैपिज्म। ये एम्प्लॉय है, जब एम्प्लॉय से ये भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, किसी चीज को फॉर्मेलिटीज है, तो इतनी ज्यादा फॉर्मेलिटीज है, कोई आवश्यकता ही नहीं है उसको करने की, कोई आवश्यकता नहीं फॉर्मेलिटीज से, वो पर्सन जब बोर हो जाता है उसको बोलते हैं रेड टैपिज्म। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, एक्सट्रीम फॉर्मेलिटीज, और हिंदी में बोल सकते हैं अत्यधिक औपचारिकता। कहते नहीं, फॉर्मेलिटी तो करनी चाहिए, ठीक है आपके फॉर्मेलिटी हो गया, अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से शॉप खुल गई, डेली फीता काटे जा रहे हैं, डेली फीता काटे जा रहे हैं, तो फीता ही काट लो भैया, ठीक। चलिए नेक्स्ट इडियम आपके स्क्रीन पर, ये इडियम भी बहुत बार पूछी गई आपके एग्जामिनेशन में, बहुत बार। क्या लिखा हुआ है, रेड कारपेट वेलकम। कारपेट कालीन वगैरह को बोलते हैं, आप देख सकते हैं ऐसा ही स्वागत आपका भी होगा, जब आप एग्जामिनेशन में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएंगे, जब आप घर पहुंचेंगे वर्दी में, जब अधिकारी बन के, जो भी आप जॉब पाना चाहते हो, जब आप अपने घर पहुंचेंगे तो ऐसे ही आपके लिए रेड कारपेट बिठाई जाएगी, इधर ऐसे बैरिकेडिंग होगी, चिंटू पिंटू ना तो इधर आ जाएं, इधर इधर ऐसे बैरिकेडिंग होगी, चिंटू हे भाई, ये भाई, ये भाई, तुम्हें ऐसे पकड़ ना ले, इसके लिए आप तुम आओगे ऐसे हीरो बन के, रेड कारपेट वेलकम पे चलोगे, जब ऐसे ऐसे चलोगे तो तुम्हारा स्वागत किया जा रहा होगा, ठीक। तो रेड कारपेट वेलकम बड़ा ही इजी इडियम है। जैसे ही अभी डोनाल्ड ट्रंप आए थे, आप लोगों जानते होंगे, बहुत बड़ा सा फंक्शन हुआ था, तो जब एरोप्लेन से उतरते हैं या ट्रेन से राष्ट्रपति वगैरह उतरते हैं तो रेड कारपेट बिछाई जाती है, उसी कारपेट के ऊपर वो लोग चलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आप सामने वाले का बहुत ही हृदय से, बहुत ही मन से सम्मान कर रहे हैं, उसका स्वागत कर रहे हैं। तो रेड कारपेट वेलकम का मीनिंग क्या हो जाता है, अ ग्रैंड वेलकम या टू वेलकम विद ग्रेट रिस्पेक्ट, हिंदी में कह सकते हैं बहुत ही आदर व सम्मान के साथ किसी का स्वागत करना, इसको कहा जाता है रेड कारपेट वेलकम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट इडियम, अगला वर्ड लिखा हुआ है रेड बेट। क्या लिखा हुआ है, रेड बेट, ये पर्सन देख रहे हैं अपने मुंह से गोली की तरीके शब्द छोड़ रहा है, ऐसे ठेंगा दिखा रहा है, क्रॉस दिखा रहा है, तो यहां से ये समझ में आ रहा है कुछ पॉजिटिव तो नहीं कह रहा है, कुछ निगेटिव शो कर रहा है। क्या कह रहा है, कुछ पॉजिटिव नहीं कह रहा है, कुछ निगेटिव शो होता है। तो याद रखिएगा, रेड बेट का मीनिंग होता है किसी का क्रिटिसाइज करना, हिंदी में कहते हैं जिसे निंदा करना या आलोचना करना, ठीक। टू एक्यूज समवन या टू डेनाउंस, इसी के सिनोनिम भी बोल सकते हैं, किसी की आलोचना करना या किसी की निंदा करना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही इजी इडियम है, पूछा तो जा चुका है लेकिन आगे पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। क्या लिखा हुआ, टू कैच समवन रेड हैंडेड। छोटू देख सकते हैं, छोटू बॉल से खेल रहा था, विंडो लगी थी, विंडो का जो ग्लास है वो टूट गया उसकी बॉल से, अंकल जी ने उसको पकड़ लिया, अब धुनेंगे उसको, कैसे पकड़ लिया,
तुरंत कांच भी पड़ा है बेटे की, सॉरी बेटा कहूंगा, किसी और दूसरे का बच्चा होगा, खुद का बेटा थोड़ी ना ऐसे तोड़ेगा, डरता है पिताजी से। बॉल पड़ी है, अब पिताजी ने उसको हाथ पकड़ लिया, ससुरे तूने तोड़ा है ना, अब दे धनादन दे धनादन दे धनादन। तो क्या मतलब हुआ, क्राइम करते समय पकड़ लेना, यहाँ सीडीएम को समझिएगा, क्राइम करते समय अगर आप किसी को क्राइम के दौरान ही पकड़ लेते हैं तो उसका मीनिंग होता है टू कैच समवन रेड हैंडेड। इंग्लिश में मीनिंग क्या हो जाएगी, टू कैच समवन व्हाइल दे आर डूइंग क्राइम, टू कैच समवन व्हाइल दे आर डूइंग क्राइम, जब वो लोग क्राइम कर रहे हो रंगे हाथों पकड़ लेना। चलिए नेक्स्ट इडियम आपकी स्क्रीन पर क्या लिखी हुई है, टू लुक थ्रू रोज। आप कहेंगे सर इसमें रेड कलर कहाँ गया, रोज का कलर भी कैसा होता है, हाँ ठीक, कलर्ड या टिंटेड ग्लास, टिंटेड ग्लास भी क्या होता है अभी आपको बताते हैं, ठीक, टू लुक थ्रू रोज कलर्ड, ठीक। और उसी के साथ idiom लिखी हुई है टिंटेड ग्लासेस, तो एक प्रकार का ग्लास होता है जिसमें रेड कलर का शीशा लगा होता है, आप बचपन में मिलता था अभी भी मिलता है, जब आप उसके माध्यम से देखते हैं तो आपको रेड रेड दिखता, बड़ा ही सुनहरा सुनहरा दिखता है, ऐसे लगता है रेड कार्पेट टाइप का, नहीं सुनहरा सुनहरा दिखता है, ठीक। तो देखिए ये शीशा है किसका, ग्लास का, और इसके एक इमेज बैकग्राउंड में दी गई है, बड़ा ही ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है, लेकिन जब आप उसको शीशे से देख रहे हो उस रेड टिंटेड ग्लास की वजह से क्या हो रहा है, वो सीन बड़ा ही अट्रैक्टिव लग रहा है। रुकिए मैं आपको फुल करके दिखा देता हूँ, जूम करके दिखा देता हूँ, कंप्यूटर साहब इसको जरा जूम करके दिखाइए बच्चों को, देखिए दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ जब देख लीजिएगा तो बताइएगा, मैं हटा दूंगा स्क्रीन। देखिए ये ग्लास है नॉर्मल, आप देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, रेन हो रही बारिश हो रही है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास आप अपनी आंखों पर लगाएंगे तो क्या देख रहे हैं, बिल्कुल सब वो बड़े सुनहरा सुनहरा लग रहा है, बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है। तो क्या हो गया इसका मतलब, टिंटेड ग्लासेस के माध्यम से अगर आप किसी चीज को देखते हैं, इसका मतलब ये हो गया आप कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने की कोशिश कर रहे हैं नेगेटिव सिचुएशन में भी, तो नकारात्मक अवस्था में भी आप क्या देखने की कोशिश कर रहे हैं, पॉजिटिव देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इसका मीनिंग हो जाएगा, टू ओनली गुड पॉइंट्स इन समवन, सॉरी टू सी होना चाहिए वहां पर, सी टाइपिंग मिस्टेक है, टू सी ओनली गुड पॉइंट्स इन समवन या समथिंग, या टू बी ऑप्टिमिस्टिक, और ऑप्टिमिस्ट का मीनिंग होता है आशावादी, इसी का अपोजिट होता है पेसिमिस्ट जिसको बोलते हैं निराशावादी, ठीक। तो सकारात्मक होना या आशावादी होना, अगर आप टिंटेड ग्लास के माध्यम से देख रहे हैं चीज निगेटिव है तब भी आप उसका पॉजिटिव एक्सपेक्ट देखने की कोशिश कर रहे हैं। एडियम नंबर 10 आपके स्क्रीन पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रेड हेरिंग, आर ई डी रेड एच ई डबल आर आई एन जी हेरिंग। अब रेड हेरिंग क्या होता है, यहाँ पर एक देख सकते हैं डॉगी है छोटा सा ऐसे, और दो कदम है, ठीक। अब वो सोच रहा है कि हम उस रेड वाली फिश को पकड़े या इस रेबिट को पकड़े, दोनों में से किसको दौड़ाए, अब दोनों समस्या में फंसा हुआ है। तो द रेड हेरिंग फैलेसी इज एन अटेम्प्ट टू मिसलीड और डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिलेवेंट टॉपिक, ये लिखा हुआ है यहाँ से। इसका मतलब क्या हुआ कि उसको जाना इस तरफ है, अब दो ऑप्शन, इधर जाएं कि इधर जाएं, तो रेड उसे पता चला उसको पकड़ेंगे तो ये भाग जाएगा, उसको पकड़ेंगे तो ये भाग जाएगा, अब हमें करना चाहिए तो करना क्या चाहिए। तो इसका मतलब होता है मुख्य मुद्दे से, मेन टॉपिक से किसी को डिस्ट्रैक्ट कर देना। तो रेड एरिंग का मतलब क्या होता है, समथिंग दैट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द मेन इशू, मुख्य मुद्दे से भटका देने वाला। याद रखिएगा रेड हेरिंग का मीनिंग होता है मुख्य मुद्दे से भटका देने वाला। चलिए नेक्स्ट इडियम हमारा रेड की ये लास्ट इडियम है, क्या लिखा हुआ है, टू सी रेड, जी हाँ खतरे का निशान देखा होगा आपने, ऐसे बना होता है 440 वोल्ट पता नहीं कितने वोल्ट होता है, ठीक, उसको देखा रेड रेड होता है, खतरा दिखाता है, रेड कलर अगर आप देखते हैं तो वो खतरे का संकेत देता है, लेकिन उसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग होता है जैसे ही आपने रेड देखा, काहे गुस्सा आ रहे हो, हाँ हटा रहे, रुक जाओ तुमको हटा रहे, गुस्सा नहीं देखो कैसे गुस्सा रहे, दांत देखो दांत नहीं मांझ के आए हैं पीले, नहीं हमसे तो हमसे सफेद दांत है भैया के, चलो देखो। तो इसका मीनिंग क्या होता है, टू बिकम वेरी एंग्री, बहुत ही गुस्से में हो जाना, गुस्से से लाल हो जाना, आपने इमेज देखी थी कैसा हो गया, गुस्से में लाल हो जाना, ठीक। इस वर्ड के लिए हम क्या यूज करते हैं, टू सी रेड। तो ये थे हमारे रेड के idiom, लेकिन इसी के साथ साथ अभी दो idiom और हैं purple के, क्योंकि वो मात्र दो ही idiom होते हैं, तो मैंने इसी lecture में उसको cover करने की कोशिश करी है। पहला जो हमारा question number 12 है वो क्या लिखा हुआ है, purple heart, heart, purple heart, हृदय बोलते हैं। तो एक जगह का ये medal type का है, जब कोई बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत ही bravery का काम करता है,
तो उसको ये मेडल दिया जाता है, ठीक किसी देश का ही है। तो पर्पल कलर आप जान गए होंगे, इसके कलर भी आप देख सकते हैं कैसा है पर्पल। तो इसका मीनिंग क्या होता है, अगर किसी के मेडल में देख सकते हैं हार्ट टाइप का वो बना हुआ है, देख सकते हैं ना ये, तो पर्पल हार्ट दिया जाता है विनिंग पर। कब, जब आप कोई बहुत ही बहादुरी का काम करते हैं। आप कैसा काम करते हैं, बहादुरी का काम करते हैं, तो आपको ये मेडल दिया जाता है। तो याद रखिएगा, पर्पल हार्ट में जो मीनिंग होती है वो क्या होती है, ब्रेवरी, या जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बहादुरी। ठीक, लास्ट आपका वर्ड है पर्पल का और हमारे इस लेक्चर का, वो क्या है, पर्पल इन द फेस। याद आया ना, जो फेस, सॉरी, व्हाट्सएप और फेसबुक वगैरह पर जो स्माइली भेजा करते हैं, जरा से छोटी सी बात ही, जरा से लेट हो गए, ये वाला स्माइली भेज देते हैं। ठीक, ये जो पर्पल कलर का जो फेस दिख रहा है ना, ये इडियोमेटिक वर्ड है। ऐसे कैसे वो गुस्सा नहीं हो जाते, देखिए मैं आपको ऐसे करके बताता हूँ। ये देखिए मैं कैसा लग रहा हूँ, ये हम समझ रहे, स्क्रीनशॉट ना ले लीजिएगा ये। तो याद रखिएगा, अगर किसी भी पर्सन का फेस पर्पल कलर का है, इसका मतलब वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। वो क्या है, बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, एक्सट्रीमली एंग्री के सेंस में ये वर्ड यूज होता है। जब हम लोग व्हाट्सएप वगैरह पे ये पर्पल कलर का स्माइली या स्टिकर भेजते रहते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, ये था हमारा रेड ईडियम का पहला सेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे ब्लू कलर की ईडियम, की ब्लू वर्ल्ड से रिलेटेड कितने शब्द हमारे एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं और बार बार पूछे जाने की उनकी संभावना रहती है। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको हमारा ये सेशन। स्क्रीनशॉट वगैरह जरूर लेते चलिएगा, या तो कॉपी में नोट करते चलिएगा। मैं पूरे के पूरी सीरीज कराऊंगा, चाहे वो एंटोनिम हो, सिनोनिम हो, ईडियम हो, ग्रामर हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, सब कुछ कराऊंगा। बस पेशेंस रखिए, और पूरी की पूरी जो मैं ग्रामर ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ वो आप जानते हैं बिना किसी रूल के, ये हमारे प्रैक्टिकल इंग्लिश की खासियत है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। देखिए छोटू हंस रहा है, मैंने आज स्माइली वाला भी लगाया हुआ है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। लिंक को भी शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों को, सहेली सहेलाओं को, जो कि सिर्फ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। तो चलिए, आज के हम लोग अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी बच्चों ने अपना बहुत अच्छा अच्छा प्रदर्शन दिखाया, काफी हंसी मजाक भी कर ली, स्माइली वाले में तो बहुत स्क्रीनशॉट ले लिया कुछ बच्चों ने, हमें पता है। ठीक, चलिए, तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, और देखते हैं हमारा ईडियम का अगला जो थीम है वो कलर पे रहेगा, जिस कलर का नाम होगा ब्लू। चाहिए बच्चों को, धन्यवाद।